हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, चैप्टर 5, द ऋग्वेदिक एंड मेगालिथिक पीरियड्स। सो वी यूज़ अ मॉडल ऑफ अ स्केलेटन टू गेट अ साउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ बोन्स दैट ह्यूमंस हैव। जब हमें ह्यूमन की स्केलेटन यूज़ करते हैं, हम किसके लिए, हमें बोन्स का पता लगाना होता है, कितनी बोन्स होती है, किस टाइप की बोन्स होती है, कैसा उनका स्ट्रक्चर होता है, तो हम किससे पता लगाते हैं, ह्यूमन स्केलेटन से। पढ़ा है ना साइंस में, स्केलेटन होता है ह्यूमन का, अंदर जो सिर्फ हड्डियों का ढांचा होता है उसे। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो फाइंड आउट द एक्सकवेटेड ह्यूमन स्केलेटन्स यूजफुल नॉट टू स्टडी द ह्यूमन एनाटॉमी बट टू फाइंड आउट अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द पास्ट। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं, पास्ट के बारे में, वो लोग क्या करते हैं, जहाँ से भी उन्हें ह्यूमन स्केलेटन्स मिलते हैं वो तो उनके लिए यूज़फुल होते हैं, वो उन्हें एक्सकवेट करते हैं, फिर उनसे पता लगाते हैं कि ये बोन्स जो है कितनी पुरानी है, किसकी हैं, कैसी हैं, जो पहले पीपल रहते थे पास्ट में वो लोग कैसे थे, वो सब वो उनकी बोन्स से वो लोग पता लगाते हैं। दे गैदर यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट पीपल ऑफ पास्ट बाई गेटिंग एक्सकवेटेड ह्यूमन स्केलेटन्स एग्जामिन्ड बाई साइंटिस्ट। कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है उनको पास्ट के पीपल के बारे में, जो वो हड्डियाँ उन्हें मिलती है, स्केलेटन जो मिलता है उन्हें, उससे वो लोग पता लगाते हैं। दे ऑल्सो स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ बरियल साइट्स एंड थिंग्स फाउंड इन दैम टू नो अबाउट सम पास्ट कस्टम्स एंड बिलीव्स। फिर जो बरियल साइट्स होती है, बरियल साइट्स मतलब जहाँ पर पहले लोगों ने कुछ दफनाया हो, पहले इंसानों को भी दफनाते थे, पेड़ पौधे भी बहुत सारे जो सूख जाते हैं, पत्ते गिर जाती तो वो भी ज़मीन के अंदर दफन हो जाती, तो होती है बरियल साइट्स, ठीक है। तो उनसे भी उन्हें पता लगता है कि पहले के लोगों के क्या कस्टम्स थे, क्या बिलीफ्स थे। इन सब के अलावा आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, हिस्टोरियंस ऑल्सो फाइंड आउट पास्ट फ्रॉम मटेरियल रिमेंस एंड रिटर्न सोर्सेज। जो मटेरियल पहले के लोग छोड़ के गए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कॉइन्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी जो मटेरियल्स पहले के ज़माने के थे, और कुछ बुक्स भी लिखते थे पहले, तो वो रिटर्न बुक्स जो हैं, ओल्ड बुक्स, उनसे भी एनालाइज करके बताते हैं वो कि पास्ट में पीपल कैसे रहते थे। सो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे, जो ऋग्वेदिक मीन्स जो ओल्ड बुक्स हैं, एंशंट बुक्स, वो और मेगालिथिक साइट्स के बारे में। सो लुक एट द इमेज, ये है फर्स्ट सिटीज ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। लेट्स नो मोर, मीन्स ये बुक है, जो एंशंट बुक्स होती थी उनके पिक्चर्स हैं ये, जो फर्स्ट एंशंट बुक थी जिसे हम वैदिक रिलीजन में बोलते हैं वेदास। ओके, सो ये फर्स्ट बुक जो थी वो वेदास थी, और ये उनके पिक्चर हैं। ऋग्वेद एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अभी आपने प्रीवियस चैप्टर में हरप्पन सिटीज़ पढ़ी है, जो कि इंडस रिवर और उनके ट्रिब्यूटरीज के नियर फ्लरिश हो गई थी, बाद में आर्कियोलॉजिस्ट ने उसका पता लगाया, तो वो फर्स्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट की फर्स्ट सिटी थी हरप्पन सिटी। तो ये कब डिक्लाइन होती थी, 3900 अगो और 1900 BCE। न्यू सिटीज इमर्ज्ड अबाउट 2500 ईयर्स अगो और 500 BCE। हाउ डू वी नो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, कैसे हमें पता लगा किस टाइम पीरियड में क्या हुआ होगा। सो एक वे ये होता है इनको एग्जामिन करने का कि वैदिक टेक्स्ट जो बुक्स लिखी गई हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है इन्फॉर्मेशन का उस टाइम पीरियड का। तो कौन कौन सी बुक्स थी, 4 वेदास लिखे गए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद, ठीक है। नाम आप लोगों ने सबने सुने होंगे, वैदिक रिलीजन में ये 4 वेदास हैं। इनके अंदर क्या है, कलेक्शन है 1288 हिम्स का। हिम्स क्या होते हैं, रिलीजियस सॉन्ग्स या पोएम्स होते हैं जो कि गॉड को प्रेस करने के लिए बोले जाते हैं, ठीक है। सो इन्हें सुक्तास या वेलसेट भी कहा जाता है, जिसको 10 बुक्स और मंडल्स में डिवाइड किया गया है। इट वॉज कम्पोज नियरली 3500 ईयर्स अगो एंड इज द ओल्डेस्ट ऑफ द 4 वेदास, ठीक है। कौन सी बुक, जो ऋग्वेद है वो सबसे ओल्ड बुक है, उसको कम से कम 3500 ईयर्स अगो पहले कंपोज किया गया था। इसमें हिम्स लिखे हुए हैं जो कि गॉड और गॉडेस को प्रेस करने के लिए बोले जाते हैं, मीन्स उन्हें उनकी स्तुति की जाती है। जैसे कि इंद्र भगवान है, जो कि जिन्हें गॉड ऑफ वॉरियर कहा जाता है, कहीं भी लड़ाई होती थी, कोई भी फाइटिंग होती थी, तो वो इंद्र भगवान जो थे वो लीडर होते थे,
ठीक है। फिर अग्नि है, अग्नि को गॉड ऑफ फायर कहा जाता है। अग्नि का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वैदिक रिलीजन में। कोई भी हवन यज्ञ किया जाता है तो अग्नि में ही सब कुछ समर्पित किया जाता है। फिर सोम है, सोमा, विच इज़ ऑल्सो प्लांट दैट वॉज यूज टू प्रिपेयर स्पेशल ड्रिंक। एक प्लांट होता है सोमा, उसको भी बहुत ज़्यादा प्रेज किया जाता है क्योंकि कोई स्पेशल ड्रिंक बनाई जाती है उससे। सुना है अगर आपने कोई माइथोलॉजिकल मूवीज़ देखी हो, भगवान की जो मूवीज़ आती है उसमें कहते थे सोम रस का पान करना है। ओके, सो हियर इज़ अ हेम फ्रॉम ऋग्वेद आस्किंग वर्शिपर्स टू प्रेज इंद्रा एंड अग्नि। इनमें जो हिम्स लिखे जाते हैं, हिम्स मीन्स मंत्र भी कहा जाता है, मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। सुना है ना, हवन या यज्ञ या कोई भी पूजा पाठ करते तो मंत्र बोले जाते हैं, दैट इज हिम। सो इसमें ऋग्वेद में क्या है, इंद्र भगवान और अग्नि जी को प्रेस किया गया है। प्रेज देम उमैन एंड ग्लोरीफाई इंद्र अग्नि इन द होली राइट्स। ठीक है, एक पूरा बताया गया मंत्र। हिम्स वर कंपोज बाय डिफरेंट ऋषिज और सैजेस इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब ये हिम्स किसने कंपोज किए हैं, जो ऋषिज जो संत होते थे पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, उन लोगों ने इन्हें कंपोज किया है। ये मोस्टली टॉट लर्नड एंड कंपोज बाय मैन, बट अ फ्यू वर ऑल्सो कंपोज बाय वुमेन। बहुत सारे तो किसने पढ़ाए हैं और बनाए हैं, सिखाए हैं, मैन ने, बट कुछ कुछ वुमेन भी करते थे। अदर वेदर्स की तरह ऋग्वेद को भी ओरली टॉट किया गया है बहुत सारे सेंचुरीज तक। मीन्स पहले सिर्फ इन्हें बोला जाता था, जो गुरु होते थे और उनके शिष्य होते थे वो सिर्फ बोल के सिखाते थे, लिखने का कोई काम नहीं होता था। गुरु बोलते थे, शिष्य सुनते थे और ऐसे बोल के ही वो लोग सीखते थे, तो ओरली सिखाए जाते थे। एंड वॉज रिसाइटेड इन हर्ट रैदर देन रिड। इट वॉज रिटन डाउन मैनी सेंचुरीज लेटर इन ओल्ड और वैदिक संस्कृति। ठीक है, बहुत सेंचुरीज तक के बाद इन्हें वैदिक संस्कृत में लिखा गया है, पहले सिर्फ बोला ही जाता था। ओके, फिर फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज। ठीक है, डिफरेंट फैमिलीज होती थी, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती थी। जैसे कि संस्कृत जो है वो इंडो यूरोपियन फैमिली की लैंग्वेज है। इंडियन लैंग्वेजेस में किस किस की थी, हिंदी, सिंधी, असमीज, गुजराती, कश्मीरी। यूरोपियन लैंग्वेजेस होती थी इंग्लिश, इटालियन, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, स्पेनिश। लैंग्वेजेस बिलोंग टू फैमिली ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन। लेकिन हर लैंग्वेज में जो भी फैमिली बिलोंग करती हो किसी भी लैंग्वेज को, लेकिन वर्ड्स कुछ कुछ कॉमन होते थे। जैसे कि मात्र वर्ड है, संस्कृत वर्ड है मात्र, ठीक है, उसको हिंदी में हम माँ कहते हैं, इंग्लिश में मदर कहते हैं, तो कुछ कुछ सिमिलैरिटीज होती थी, कॉमन होते थे वर्ड्स। तो वही बताए हैं, संस्कृत वर्ड में भ्राता बोला गया है तो हिंदी में हम लोग भाई बोलते हैं, इंग्लिश में ब्रदर बोलते, तो कुछ कुछ सिमिलैरिटीज आई जाती हैं। ऐसे ही कुछ इंडियन लैंग्वेजेस और उनकी फैमिलीज की बता रहा है कि जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करती है, ड्रैविडियन फैमिली को। लैंग्वेजेस यूज्ड इन नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू तिब्बतो बर्मन फैमिली। लैंग्वेजेस यूज्ड इन झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया बिलोंग टू ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। ओके, नाउ स्टडी ऑफ ऋग्वेद बाय हिस्टोरियंस। अब हिस्टोरियंस ने ऋग्वेद की स्टडी कैसे की। एनालाइजिंग अबाउट हिम वुड हैव गिवन यू एन आइडिया ऑफ रिलीजियस बिलीव्स एंड सम वैल्यूज एंड थिंग्स दैट वर कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट टू ऋग्वेदिक पीपल। अब जो हिम्स हम लोगों ने सुने हैं, जो हिस्टोरियंस ने उन बुक्स में पढ़े हैं, उनसे उन्हें ये आइडिया तो लग गया कि वैदिक रिलीजन के क्या कस्टम्स थे, क्या बिलीव्स थे, वो लोग किसकी पूजा करते थे। सो सिमिलरली हिस्टोरियंस स्टडी ऋग्वेद टू रिकंस्ट्रक्ट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड बिलीव्स ऑफ ऋग्वेदिक पीपल। सो उनसे उन्हें वो पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने का आइडिया मिला कि ऋग्वेदिक पीपल कैसे रहते थे, क्या उनके बिलीव्स थे। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्टोरियंस डू दिस। ऋग्वेद हैज हिम्स विच आर इन फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। पार्ट ऑफ वन सच डायलॉग हिम बिटवीन साजिस विश्वामित्र एंड रिवर बियास एंड सतलज इज गिवन बिलो। ठीक है, एक एग्जांपल दिया है डायलॉग के फॉर्म में, उन्होंने उस हिम को बनाया है कि जो विश्वामित्र थे, ऋषि विश्वामित्र, और उनके उन्होंने किससे उनकी कॉन्वर्सेशन किससे बताई है, रिवर से, जो नदियाँ होती है बियास रिवर एंड सतलज रिवर से। तो विश्वामित्र कह रहे हैं कि ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम माउंटेन लाइक टू शिफ्ट हॉर्सेस लाइक टू शाइनिंग काउज दैट लिक देयर काउज। वो कह रहे हैं कि ओ रिवर्स आप लोग यहाँ पर
नीचे माउंटेन से आइए, जैसे कि दो हॉर्स से टू कैटल्स आती है, शाइनिंग कैटल्स, यू मूव लाइक चैरियट्स टू द सी थ्रू द पावर ऑफ इंद्र. चैरियट्स मीन्स रथ होता है, रथ देखा है ना, हॉर्स के पीछे पूरी गाड़ी बंधी रहती है, वो थी रथ. तो वो कह रहे हैं कि आप रथ की तरह सी तक मूव कीजिए, इंद्र को अपनी पावर बताइए. यू आर फुल ऑफ वाटर, विश टू यूनाइट विद वन अनादर. आप पूरे पानी से भरे हुए हो तो हम चाहते हैं कि आप एक हो जाएं दोनों. फिर रिवर्स कहती है, वी हु आर फुल ऑफ वाटर मूव अलोंग द पाथ द गॉड्स हैव मेड फॉर अस. हम लोग पानी से तो भरे हुए हैं, लेकिन हम उसी मूव पाथ पर मूव करेंगे जो गॉड ने हमें बताया है, जो उन्होंने हमारे लिए बनाया है. वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग वी कैन नॉट बी स्टॉप्ड. एक बार हमने जब फ्लो करना स्टार्ट कर दिया तो हम फिर स्टॉप नहीं हो सकते, तो फिर आप क्यों प्रे कर रहे हैं हमसे. विश्वामित्र, ओ सिस्टर्स प्लीज लिसन टू मी, द सिंगर हु हैज कम फ्रॉम अ डिस्टेंस विद हिज चैरियट्स एंड कार्ट्स, लेट योर वाटर्स नॉट राइज अबव आवर एक्सेस सो दैट वी कैन क्रॉस सेफली. विश्वामित्र कहते हैं कि ओ सिस्टर्स मुझे ध्यान से सुनिए, मैं जो हूँ बहुत दूर से आया हूँ अपने चैरियट्स और कार्ट्स को लेके, तो आप अपने पानी के लेवल को बढ़ाइएगा मत, ताकि हम लोग यहाँ से सेफली क्रॉस कर सकें. रिवर्स, वी विल लिसन टू यू योर प्रेयर सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली. हमने तुम्हारी प्रे सुन ली, आप यहाँ से सेफली क्रॉस कर सकते हैं. ठीक है, एक छोटा सा डायलॉग बताया है जो कि हिम्स के फॉर्म में था, लेकिन उन्होंने डायलॉग के फॉर्म में बताया हिस्टोरियंस ने. हिस्टोरियंस इंडिकेट दैट दिस हिम वॉज कम्पोज इन एरिया क्लोज टू वेयर रिवर्स बियास एंड सतलज फ्लो. हिस्टोरियंस ये इंडिकेट करते कि जो हिम है ये कहाँ कम्पोज किया होगा, जो रिवर बियास और सतलुज बह रही है उसके नियर उन्होंने ये हिम को कंपोज किया होगा. दिस सजेस्ट दैट कंपैरिजन ऑफ दिस रिवर्स विच वर्शिप्ड एज गॉडेसेस टू हॉर्सेस एंड काउस इंडिकेट दैट हॉर्स एंड काउस वर वैल्यूड बाय सोसाइटी इन विच सेज विश्वामित्र लिव्ड. उन्होंने एक चीज़ वो सजेस्ट की, जो रिवर को उन्होंने कंपेयर किया है, किससे कंपेयर किया, रिवर को उनसे हॉर्स और काउस से उन्होंने कंपेयर किया है. मीन्स जो ये एनिमल्स होते थे हॉर्सेस काउस, ये बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते थे उस टाइम पीरियड में, विश्वामित्र के टाइम पीरियड में. इसलिए हम लोग आज तक काऊ बुल इनकी पूजा करते हैं ना, दिवाली पे करते हैं कि नहीं, गाय की पूजा करते हैं, बैल की पूजा करते हैं, तो ये उस टाइम पीरियड से चलता आ रहा है. हिम्स रिवेल द चैरियट्स एंड कार्ट्स फॉर इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग दोज टाइम्स. हिम्स में उन्होंने चैरियट्स और कार्ट्स के बारे में भी बताया, मीन्स ये एक इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था उस समय. कोई व्हीकल्स तो होते नहीं थे कि कार आ गई, बाइक आ गई, ऐसा तो कुछ था नहीं ना उस समय, यही चलते थे हॉर्स कार्ट, बुलक कार्ट, चैरियट्स. ठीक है, इन्हीं लोगों से लोग ट्रैवल करते थे, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते थे उस समय. ऋग्वेद टेल्स मैनी अदर थिंग्स अबाउट सेटलमेंट्स एंड सोसाइटी ऑफ दोज टाइम्स. ऋग्वेद्स में हमें ये भी पता चलता है कि उस टाइम पीरियड में सेटलमेंट स्टार्ट हो गया था, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है कि लोग पहले मूव करते थे, हंटर गैदरर होते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहते थे, फिर उन लोगों ने सेटल्ड कल्टीवेशन स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे सिटीज़ बनना स्टार्ट हो गई. तो ऋग्वेद टाइम पीरियड में वो सेटलमेंट स्टार्ट हो गया, तो एक सोसाइटी बन गई थी. रिवर इंडस एंड ट्राइब्यूटरीज रिवर सरस्वती हैव बीन फ्रीक्वेंटली मेंशन इन द हिम्स ऑफ ऋग्वेद. ठीक है, रिवर इंडस और रिवर सरस्वती के बारे में मेंशन किया गया है हिम्स में. रिवर गंगा एंड यमुना आर नेम्ड ओनली वंस. This suggests that Rigvedic settlements were mainly located in areas around river Saraswati river, Indus and its tributaries. अब गंगा रिवर और यमुना रिवर का सिर्फ नेम एक ही बार बताया गया है, मीन्स Rigvedic settlement जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, सरस्वती रिवर और इंडस रिवर के नियर बाय. ऋग्वेद contains many prayers for cattle, children and horses. अब जो ऋग्वेद में prayers की जाती थी वो किसके लिए की जाती थी, cattles के लिए, children means especially son के लिए और horses के लिए. This is a prayer to God Rudra to give good health to people and animals like riding horses, rams, ewes and cows. अब वो लोग कैटल्स के लिए क्यों प्रेयर करते थे, अब आपने सुना है गायों के लिए भी कोई पूजा की जाती होगी, क्योंकि उस समय पर ये ही इम्पॉर्टेंट थे. अभी आज आपके पास व्हीकल होता तो आप अपने व्हीकल की पूजा करते ना, कोई भी नई गाड़ी आती है घर में तो आप उसकी पूजा करते, तो वैसे ये उन लोगों के एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था पहले, तो वो लोग इनकी पूरी पूजा करते थे. पहले ऐसा होता था कि जिसके पास जितने ज़्यादा कैटल्स हैं वो उतना ही पावरफुल होता था, जिसके पास जितनी ज़्यादा गायें होंगी, शिप्स होंगी, बकरियाँ होंगी, जो भी था कैटल्स जो भी होते थे, तो जिसके पास जितने ज़्यादा होते थे वो उतना ही पावरफुल होता था. इसलिए वो कैटल की भी पूजा करते थे, चिल्ड्रन के लिए भी पूजा की जाती थी, स्पेशली सन के लिए,
पहले मतलब ये भी पता चलता है कि ऋग्वेदिक पीरियड जो था वो मैन प्रायोरिटी वाला था, सबको लड़के चाहिए रहते थे, इसलिए स्पेशली सन के लिए पूजा की जाती थी, हॉर्सेस के लिए भी पूजा की जाती थी क्योंकि जो बैटल होती थी उसमें हॉर्स ही यूज़ होते थे, इसलिए हॉर्स की भी पूजा की जाती थी। जो गॉड रुद्र होते, रुद्र देव के लिए पूजा की जाती थी जिससे कि वो सबको अच्छी हेल्थ दें, पीपल को भी और एनिमल्स को भी। ऋग्वेद मेंशन द प्रेजेंस ऑफ मैनी वेरिंग ट्राइब्स एंड क्लैंस, देयरफॉर हॉर्सेस वर कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट एज दे ड्रॉ चैरियट्स इन द बैटल्स। ठीक है, ऋग्वेद में बहुत सारे वेरिंग ट्राइब्स को भी बताया जो आपस में बैटल करते थे, तो उसमें हॉर्स को कंसिडर किया गया था एज ए इम्पॉर्टेंट, क्योंकि चैरियट्स कौन लेके जाता था रथ पे, तो घोड़े ही लेके जाते ना रथ को, तो इसलिए उनकी भी पूजा की बताई गई है। वेल्थ वॉज इक्वेटेड टू कैटल, दोज हु हैड अ लार्ज नंबर ऑफ कैटल वर कंसिडर्ड वेल्दी। ठीक है, ये मैंने अभी बताया कि जिसके पास जितनी कैटल होती थी वो उतना ही वेल्दी पर्सन होता था। सो बैटल्स फॉर फॉट ओवर कैटल लैंड फॉर ग्रेजिंग एंड फार्मिंग वाटर रिसोर्सेज एंड पीपल टू बी कैप्चर्ड एज स्लेव्स। तो बैटल्स किसके लिए की जाती थी, कैटल के लिए की जाती थी, लैंड के लिए की जाती थी, फार्मिंग के लिए की जाती थी और वाटर रिसोर्सेज के लिए की जाती थी, और जो पीपल को लोग कैप्चर कर लेते थे एज अ स्लेव। वर्ड राजन और राजा अकर्स मैनी टाइम्स इन ऋग्वेद। अब ऋग्वेद में ये वर्ड बहुत बार यूज़ किया गया है, राजन राजा। हिम्स डू नॉट क्लियरली पॉइंट आउट इफ राजन वॉज चीफ ऑफ अ ट्राइब क्लैन और न्यूमरस क्लैंस। अब हिम्स में ये बात क्लियर नहीं कि राजन वर्ड किसके लिए यूज़ किया जाता है, ट्राइब के चीफ के लिए यूज़ किया जा रहा है, क्लैन के लिए किया जा रहा है। क्लैन मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ कॉमन डिसेंट, एक पीपल का ग्रुप होता है जो कि कॉमन डिसेंट को मानते हैं। हाउएवर हिज मेन टास्क वॉज टू प्रोटेक्ट हिज पीपल एंड विन बैटल्स। उनका मेन टास्क ही होता था कि वो अपने पीपल को प्रोटेक्ट करें और बैटल को जीते। He kept some of the wealth obtained by winning battles, accepted voluntary gifts offered by his own people. The rajas of Rigvedic period were very different from those of later periods. जो ऋग्वेदिक पीरियड के राजा होते थे वो लेटर पीरियड के राजा से बहुत डिफरेंट होते थे। उनके पास कोई कैपिटल सिटीज़ नहीं होती थी, पैलेसेस नहीं होते थे, आर्मीज नहीं होती थी। देयर सन्स डिड नॉट हैव राइट टू ऑटोमेटिकली सक्सीड देम एज राजस। राजस डिड नॉट कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम पीपल। जो लेटर पीरियड्स में हम लोग देखते थे राजा, जो हम लोग समझते हैं राजा मीन्स क्या होता है, जिसके बहुत बड़े बड़े पैलेसेस होते, महल होते थे, बहुत सारा उनके पास पैसा होता था, खजाना होता था, जो उनके सन होते थे वही उनको सक्सीड करते थे। फिर अगर कोई राजा मर गया है तो उसके बाद उनका राजपाट कौन संभालता था, उनका बेटा ही संभालता था। तो ये उस टाइप के राजा नहीं थे। उस टाइम सिर्फ राजा का मतलब होता था कि किसी भी कम्युनिटी या ग्रुप ऑफ पीपल के लीडर, चीफ, उसको राजा कहा जाता था। ओके, सो सम ऑफ द वेल्थ वन इन बैटल वॉज गिवन टू प्रिस्ट और ब्राह्मिन्स एंड रेस्ट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल ऑफ ट्राइब और कम्युनिटी। अब उस समय जो बैटल जीती जाती थी उसमें जो उनको पैसा मिलता था वो लोग क्या करते थे, जो ब्राह्मिन्स होते थे एक पार्ट उन्हें दे देते थे और बाकी जो बचता था वो उनकी कम्युनिटी के पीपल में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता था। ऋग्वेद में ये मैंशन किया गया जो प्रिस्ट या ब्राह्मिन्स होते थे वो वेरियस रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे, जैसे पूजा करना, हवन यज्ञ करना। जो कॉमन पीपल होते थे उन्हें कैसे रिफर किया जाता था, जो कॉमन पीपल और कम्युनिटी वॉज रिफर्ड एज जन और विश इन ऋग्वेद। जो कॉमन पीपल होते थे उन्हें जन कहा जाता था या विश कहा जाता था। मैनी जन और विश हैव बीन मेंशन्ड इन ऋग्वेद सच एज पुरु जन, भारत जन, यदु जन। ठीक है, ऐसे उनको नाम दिए गए थे अलग अलग कम्युनिटी वाले पीपल को। यजनास और सेक्रीफाइसेस वर परफॉर्म्ड यूजिंग सम ऑफ द रिचेस वन इन बैटल्स। जो यजनास होते थे वो क्या परफॉर्म करते थे, वो बैटल्स में मोस्टली जीतते थे। यजनास ऑफरिंग्स ऑफ थिंग्स सच एज, फिर वो जो पूजा पाठ करते थे, हवन करते थे, उसमें ऑफर करते थे घी, ग्रेन, मिल्क, ये सब लोग फायर को ऑफर करते थे जो कि गॉड या गॉडेस को जाती थी। दिस हाइम इज अ प्रेयर मेड टू गॉड अग्नि ड्यूरिंग अ सेक्रीफाइस। अग्नि एक्सेप्ट द फ्यूल एंड अवर ऑफर्ड गिफ्ट एक्सेप्ट द प्रेयर ऑफ मैन एक्सेप्ट अवर यूलॉजी। ठीक है, वो अग्नि में डालने का मतलब क्या होता है, हवन करते हुए देखा है सबने यज्ञ करते, तो वो अग्नि चलती है उसमें, फिर वो सब सामग्री डालते हैं, हवन सामग्री डालते, घी ऑफर करते उसमें, कुछ वो जड़ी बूटियाँ होती वो ऑफर करते हैं। ठीक है, तो वो क्यों की जाती है, तो वो ऐसा माना जाता था कि जो अग्नि देव हैं वो उसे एक्सेप्ट कर लेंगे सारे हमारे ऑफरिंग्स को, और फिर वो जो दूसरे गॉड गॉडेस होते थे उनको पहुँचा देंगे, इसलिए ये सब चीज़ें डाली जाती है हवन में। द वर्ड आर्यास एंड दस यूज अकर फ्रिक्वेंटली इन ऋग्वेद। अब ये न्यू वर्ड्स भी इसमें यूज़ किए गए ऋग्वेद में, आर्यास और दस यूज। कंपोजर ऑफ हेम्स ऑफन डिस्क्राइब दैमसेल्व एज आर्यास एंड कॉल्ड देयर ओपोनेंट्स
दसस और दस्युस। अब जो हिम के कंपोजर है जिन्होंने मंत्र बनाए हैं वो लोग अपने आप को आर्यास कहते थे और जो उनके ओपोनेंट्स होते थे उन्हें दस्युस कहते थे। बैटल्स वर ऑफन फॉट बिटवीन आर्यस एंड दस्युस एंड इवन बिटवीन टू डिफरेंट ट्राइब्स ऑफ आर्यस। अब बैटल्स किन के बीच में होती है? आर्यस और दस्युस के बीच में बैटल होती थी और इवन टू आर्यस अगर डिफरेंट कम्युनिटी के टू आर्यस है तो उनके बीच में भी बैटल होती थी। पीपल ऑफन प्रेड गॉड्स फॉर विक्ट्री इन बैटल। दिस इज अ ऋग्वेदिक प्रेयर टू गॉड इंद्र टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बोथ दासा एंड आर्य एनिमीज। अब वो गॉड इंद्र के लिए प्रेयर की जाती थी कि वो हमें प्रोटेक्ट करे दासा से और अदर आर्य एनिमीज से। ऋग्वेद मेंशन असेंबली सच एज सभा एंड समिति वेयर पीपल मीट एंड डिस्कस्ड इश्यूज रिलेटेड टू वॉर एंड पीस। अब उसमें असेंबली भी मेंशन की गई है ऋग्वेदिक पीरियड्स में कि उस समय असेंबली भी होती थी जिसको सभा या समिति कहा जाता था जहाँ पर पीपल मिलते थे डिस्कस करते थे किन इश्यूज़ को वॉर और पीस के इश्यूज़ से रिलेटेड वो लोग वहाँ पर डिस्कस करते थे। दे ऑल्सो चोज ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स एज देयर लीडर। वहाँ पर बैठ के वो लोग फिर अपना एक लीडर भी चुनते थे जो कि बहुत ज़्यादा ब्रेव होना चाहिए और स्किलफुल वॉरियर होना चाहिए। उस समय कोई आर्मी तो होती नहीं थी तो जो मैन होते थे ट्राइब्स के वही लोग वॉर फॉट करते थे। सो ऋग्वेद वॉज बींग कम्पोज इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब ये ऋग्वेद कहाँ कम्पोज किए गए? नॉर्थ वेस्ट पार्ट में। ये याद रखिएगा आप लोग, जो ऋग्वेदिक टाइम पीरियड है जो बुक्स लिखी गई हैं वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में लिखी गई है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के। और जो अदर डेवलपमेंट हो रहे थे अदर पार्ट्स में उसको फिर हम आगे पढ़ेंगे कि जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट के अलावा जो पार्ट था इंडियन सब कॉन्टिनेंट का वहाँ पर क्या होता था। ये तो सिर्फ यहाँ पर बुक्स लिखी गई है नॉर्थ वेस्ट पार्ट में। ओके नाउ अब हम पढ़ेंगे मेगालिथिक साइट्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड बाय नाउ दैट बिग स्टोन्स वर इरेक्टेड एट बरियल साइट्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड इन द पास्ट। ठीक है, ये पिक्चर में देखिए सिर्फ बड़े बड़े स्टोन्स दिख रहे हैं। तो हमसे इनसे क्या पता चलता है कि जो बरियल साइट्स होती थी बरियल साइट्स वहाँ से बिग स्टोन्स इरेक्ट किए जाते थे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। जो ये बिग स्टोन्स होते थे इन्हें कहा जाता है मेगालिथ्स। ठीक है, बिग स्टोन्स आर कॉल्ड मेगालिथ्स। द टर्म मेगालिथ हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू ग्रीक वर्ड मेगास मीनिंग ग्रेट और बिग एंड लिथोस मीनिंग स्टोन। ठीक है, जो मेगालिथ वर्ड है टू वर्ड से बना है, मेगा मीन्स बिग या ग्रेट और लिथोस मीनिंग स्टोन। मेगालिथ आर अर्लीस्ट सर्विंग मैनमेड मॉन्यूमेंट फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अभी जो मेगालिथ्स है ये जहाँ कहाँ सर्वाइव करने थे? जो मैनमेड मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं अर्ली टाइम पीरियड में पास्ट में जो मॉन्यूमेंट बनाए गए हैं ये उन्हें इंडिकेट करते हैं जहाँ पर बड़े बड़े स्टोन मिलते हैं, क्योंकि कुछ मॉन्यूमेंट बना होगा वहीं पर बड़े बड़े पत्थर यूज़ होंगे ना, तो इन स्टोन्स से ये पता लगता है। यूरोप में, एशिया, अफ्रीका, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, ऑल ऑफ देम आर मेड ऑफ लार्ज रफली शेप्ड स्टोन स्लैब्स। यहाँ सब जगह से बड़े बड़े रफली शेप्ड पत्थर मिले हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट मेगालिथ्स हैव बीन फाउंड एक्सटेंसिवली इन डेक्कन साउथ इंडिया इन नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर। ठीक है, अब जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में तो हमें ओल्ड बुक्स मिल गई, अभी जो बाकी अदर पार्ट बचे साउथ वाला पार्ट, ईस्ट वाला पार्ट, कश्मीर, यहाँ सब जगह से हमें मेगालिथिक साइट्स मिली हैं। सम इम्पोर्टेंट मेगालिथिक साइट्स आर हलूर, ब्रह्मगिरी, मास्किन कर्नाटक, इनाम गाँव इन महाराष्ट्र, नागार्जुन कोंडा इन आंध्र प्रदेश, आदि चनालूर इन तमिलनाडु। द अर्लीस्ट मेगालिथ ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट डेट बैक टू अबाउट 3000 ईयर्स अगो। यू मे हैव सरप्राइज टू नो दैट प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग मेगालिथ स्टिल कंटिन्यू सर्टेन ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया सच एज गोंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड खासिस ऑफ मेघालय। ठीक है, ये सारी मेगालिथिक साइट्स बताई गई हैं कि कौन से स्टेट्स में कौन से साइट्स मिली हैं और ये कब मिली थी, 3000 ईयर्स अगो पहले। और अभी भी बहुत सारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं इंडिया की वहाँ पर अभी भी प्रैक्टिस चल रही है इन मेगालिथिक साइट्स को ढूंढने की। ठीक है, ये मैप में सारी मेगालिथिक साइट्स बताई गई हैं। ये साउथ में सबसे नीचे आदि चल्लूर है, फिर ब्रह्मगिरी है, मास्की है, हल्लूर है, नागार्जुन कोंडा है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी साइट्स है वो इस मैप में बताई गई है। मेगालिथिक बरियल्स आर फाउंड अबव ग्राउंड, अंडर द ग्राउंड और पार्टली अंडर द ग्राउंड। अभी जो बरियल्स मिले हैं कहाँ पर मिले? या तो ग्राउंड के ऊपर मिले हैं, ग्राउंड के नीचे मिले हैं, कुछ ऊपर कुछ नीचे ऐसे भी मिले हैं। अंडरग्राउंड बरियल्स आर मार्क्ड विद अ बिग स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड और मैनी स्टोन्स अरेंज्ड इन अ सर्कल।
कुछ जो स्टोन होते हैं वो तो या तो ग्राउंड से सीधे खड़े हुए हैं, या कुछ जो स्टोन है वो सर्कल के फॉर्म में अरेंज किए हुए मिले हैं। कुछ प्लेसेस पे ह्यूमन बोन्स भी मिली हैं। ग्राउंड के नीचे एक स्टोन बॉक्स होता है कॉल्ड सिस्ट। सम सिस्ट हैड एन ओपनिंग नॉन एज पॉट होल विच लेड इन टू द क्रिस्ट। ठीक है, ये पिक्चर में बताया गया है पूरा। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ आर्क्योलॉजिस्ट यूज आर्क्योलॉजिकल एविडेंसेस फाउंड एट मेगालिथिक साइट्स टू नो अबाउट द लाइफ ऑफ बिल्डिंग दोस चैम। अब हम समझते हैं कि आर्क्योलॉजिस्ट कैसे उन एविडेंसेस को यूज़ करते हैं मेगालिथिक साइट से जो मिले हैं लाइफ ऑफ पीपल बताने के लिए। बिलीव्स ऑफ मेगालिथिक पीपल, मेगालिथिक पीपल जो होते थे उनके क्या बिलीव्स होते थे। आर्क्योलॉजिस्ट हैव फाउंड अबाउट द मेगालिथिक बेरियल्स हैव सम थिंग्स इन कॉमन। कुछ कॉमन होता था उनमें। डेड वर यूजली बरिड विद सम टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन स्पेशल पॉट्स नोन एज ब्लैक एंड रेड वेयर। अब जो कोई मर जाता था तो उनको बरिड करते थे, वो लोग जलाते नहीं थे, उस समय दफनाते थे। तो जब उनको दफनाते थे तो उसमें कुछ टूल्स वेपन्स भी वो रखते थे आयरन के साथ में, स्पेशल पॉट्स भी रखते थे जिसको ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है। स्केलेटन मिलते थे हॉर्सेस के, हॉर्स इक्विपमेंट्स के। ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड वर ऑल्सो प्लेस्ड अलॉन्ग विद द डेड। ठीक है, जब उनके डेड बॉडी दफनाई जाती थी तो उसके साथ साथ वो लोग हॉर्स के स्केलेटन, हॉर्स के इक्विपमेंट्स, ऑर्नामेंट्स जो होते थे स्टोन के, गोल्ड के, वो लोग भी साथ में रखते थे उनके। बरिंग द डेड अलॉन्ग विद बरियल गुड्स इंडिकेट दैट मेगालिथिक पीपल बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ एंड पॉसिबली। अब ये सब चीज़ें रखने का मतलब क्या होता था कि मेगालिथिक पीपल क्या सोचते थे कि डेथ के बाद भी लाइफ होती है, वो लोग फिर से रिबर्थ कर सकते हैं, ऐसा वो लोग सोचते थे। दे कंसिडर दैट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू ट्रीट द डेड विद रिस्पेक्ट एंड प्रोवाइड दैम विद थिंग्स दे वुड नीड इन देयर आफ्टर लाइफ। वो क्या सोचते थे कि अगर वो मर गए उसके बाद भी उन्हें रिस्पेक्ट दी जाती थी, उन्हें थिंग्स प्रोवाइड की जाती थी कि आफ्टर लाइफ अगर उन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी तो वो चीज़ें भी सब साथ में दफना देते थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड सम बरियल्स वेयर टेथ ऑफ डेड वर कट ऑफ फ्रॉम बॉडी एंड बरिड विद रिमेन्स प्रोबेबली फॉर यूज इन द नेक्स्ट लाइफ। अब उनके टिथ भी कट कर देते वो लोग, अगर कोई मर गया तो उसके टिथ भी निकाल के वो भी साथ में दफना देते थे ताकि वो उनको नेक्स्ट लाइफ में काम आ सके। सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस इन मेगालिथिक सोसाइटी। अब क्या डिफरेंसेस होते थे उनके सोशल और इकोनॉमिक। नंबर ऑफ बरियल गुड्स इन वेरियस मेगालिथिक ग्रेव्स डिफर्ड। अलग अलग साइट्स में अलग अलग डिफरेंस देखने को मिले हैं। दिस टेल्स अस दैट ऑल मेगालिथिक पीपल वर नॉट ऑफ इक्वल स्टेटस। इससे क्या पता चलता है कि जितने भी मेगालिथिक पीपल होते थे वो सब इक्वल स्टेटस के नहीं होते थे, उनके बीच में सोशल स्टेटस का डिफरेंस होता होगा। कुछ चीफ होते थे, कुछ उनके फॉलोअर्स होते होंगे, कुछ रिच होते होंगे, कुछ ऑर्डिनरी होते होंगे। सो इन वन ऑफ द ग्रेव्स ऑफ ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी से जो ग्रेव मिली है उससे क्या पता चला कि स्केलेटन बरेड विद 33 गोल्ड बिट्स, 2 स्टोन बिट्स, 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 कॉन्च शेल। ये सब उन्हें एक डेड बॉडी के साथ मिले। स्केलेटन अदर ग्रेव ऑफ एरिया हैव ओनली फ्यू पॉट्स। और एक अदर जो ग्रेव उन्होंने देखी तो उसमें सिर्फ एक ही मीन्स कुछ पॉट्स ही थे खाली। सो उन्हें इससे क्या पता चला, आर्कियोलॉजिस्ट आर ऑफ व्यू दैट गुड्स बरिड विद स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन। देयरफॉर स्केलेटन बरिड विद न्यूमरस थिंग्स वुड हैव बीन अ रिच पर्सन व्हाइल अदर्स वुड हैव कॉमन पीपल। तो जिसके डेड बॉडी में इतने सारे आइटम्स मिले, ऑर्नामेंट्स मिले, गोल्ड के, स्टोन के, कॉपर के बैंगल्स मिली, तो वो मतलब कोई वो रिच पर्सन होगा। और जिसके बॉडी में सिर्फ फ्यू पॉट्स मिले मीन्स वो एक ऑर्डिनरी पर्सन होगा। तो ये उन्हें डिफरेंस पता चला। सम बरियल प्लेस फॉर सम फैमिलीज सेम। सर्टेन मेगालिथिक बरियल्स हैव मल्टीपल स्केलेटन्स इन द सेम ग्रेव। एक ही ग्रेव में उन्हें मल्टीपल स्केलेटन मिले। इससे क्या पता चलता है कि अगर एक सेम फैमिली के मेंबर मर रहे तो उन्हें एक ही ग्रेव में उन्हें दफनाया जाता था। ऐसा नहीं है कि एक फैमिली मेंबर मरा है तो फिर दूसरा मरा उसी फैमिली का तो उसके लिए दूसरी ग्रेव बनाई जाती थी, ऐसा नहीं करते थे वो लोग। एक फैमिली मीन्स एक फैमिली उसमें कितने भी मेंबर्स होंगे तो सारे फैमिली मेंबर्स को एक ही ग्रेव में दफनाया जाता था। दिस डेड पर्सन्स मे हैव बीन फ्रॉम सेम फैमिली। बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर मे हैव बीन पुट इनटू द ग्रेव थ्रू पॉट होल्स एंड प्लेस्ड नेक्स्ट टू द स्केलेटन ऑलरेडी बरिड इन द ग्रेव। ठीक है, जो पॉट होल बनाया जाता था ये यूज़ किया जाता था डिफरेंट टाइम पीरियड्स में। मर रहा है कोई, आज मर रहा है कोई, 10 दिन बाद भी मरेगा या कुछ सालों बाद में मरेगा, लेकिन फिर भी उसको सेम ग्रेव में ही दफनाया जाता था। फिर उसके आसपास वो सर्कल्स, स्टोन का सर्कल बनाए दिए जाते थे जिससे कि पता लग सके कि उसके डेड बॉडी कहाँ पर है। स्टडिंग स्केलेटन।
स्केलेटन की स्टडी कैसे की जाती है? सर्टेन थिंग्स सच एज एज एंड जेंडर ऑफ डैट पर्सन कैन बी नोन बाय स्टडिंग द स्केलेटन बरेड इन द ग्रेव्स. जो स्केलेटन बरेड होते हैं उनसे हम एज और जेंडर पता लगा सकते हैं डेड पर्सन का, कि उसकी एज कितनी होगी और उसका जेंडर क्या होगा, वो मेल था या फीमेल था. इट इज़ ईजी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द स्केलेटन ऑफ अ चाइल्ड एंड एन एडल्ट बाय लुकिंग एट देयर साइज. ठीक है, जो बोन्स के साइज होते हैं हड्डियों के साइज से भी पता लगा सकते हैं कि वो हड्डियाँ बच्चों की है या बड़ों की है. सो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्केलेटन ऑफ मैन एंड वुमेन व्हाट वुड नीड टू स्टडी देयर बोन स्ट्रक्चर्स. बोन के स्ट्रक्चर को देख के पता लगाया जाता है कि बोन मैन की है या वुमेन की है. इन वुमेन द हिप एरिया ऑफ अ स्केलेटन इज जनरली बिगर देन मैन. जो वुमेन का हिप एरिया होता है वो स्केलेटन बड़ा होता है मैन के कंपैरिजन में. सो इट वुड बी इनकरेक्ट टू प्रिज्यूम दैट स्केलेटन वुड विद ज्वेलरी इज दैट ऑफ वुमेन एज बोथ मैन एंड वुमेन वोर ज्वेलरी. अब ज्वेलरी से पता लगाना डिफरेंट होता था क्योंकि उस समय पे मैन और वुमेन दोनों ज्वेलरी पहनते थे. माइथोलॉजिकल मूवीज में हम लोग देखते हैं ना, राजा भी ज्वेलरी पहनता था, रानी भी ज्वेलरी पहनती थी. सो इस समय में भी यही टाइम था कि मैन और वुमेन दोनों ज्वेलरी पहनते थे, तो ज्वेलरी से हम लोग नहीं पता लगा सकते थे कि ये मैन के स्केलेटन है या वुमेन के हैं. फिर नंबर ऑफ बोन्स. अबाउट 2000 ईयर अगो फिजिशियन नेम्ड चरक रोट अ बुक ऑन मेडिसिन कॉल्ड चरक संहिता. In his book, he mentioned that human bone is made up of 360 bones. This is much more than actual number of bones in human body, which is 206. This is so because Charak also counted teeth, joints and cartilage. अब 2000 साल पहले एक फिजिशियन थे जिनका नाम था चरक. उन्होंने अपनी एक बुक लिखी है मेडिसिंस के ऊपर. उन्होंने उसमें मैंशन किया कि ह्यूमन के अंदर 360 बोन्स होती है, जबकि एक्चुअल बोन्स तो 206 ही होती है. पता है ना, साइंस में पढ़ा है ना नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है, 206 बोन्स होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर. लेकिन उन्होंने 360 बताई थी. क्यों? क्योंकि उन्होंने टेथ, जॉइंट्स और कार्टिलेज को भी गिना था इसलिए. अब एक केस स्टडी बताई गई मेगालिथिक साइट्स की. इनाम गाँव में, जो कि एक इंपॉर्टेंट मेगालिथिक साइट है, ये कहाँ पर सिचुएटेड है? बैंक ऑफ रिवर घोद इन महाराष्ट्र पर सिचुएटेड है ये. इट एग्जिस्टेड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स अगो. बरियल्स फाउंड रिवील दैट चिल्ड्रन वर बरीड इन टू स्पेशल पोर्ट्स प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली माउथ टू माउथ इन अ पिट. अब उन्होंने कौन से बरियल्स मिले? टू चिल्ड्रन के बरियल्स मिले जिन्हें टू चिल्ड्रन को वहाँ पर बरीड किया गया था. स्पेशल पॉट्स बनाए हुए थे जिन्हें हॉरिजॉन्टली प्लेस किया हुआ था माउथ टू माउथ से. एडल्ट्स वर जनरली बरीड इन पिट्स डग आउट इन ग्राउंड विद हेड टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड बॉडीज इन अ स्ट्रेट पोजिशन. जो एडल्ट को बरी किया जाता था तो उनकी पोजीशन क्या होती थी कि वो हेड जो होता था वो ग्राउंड की तरफ होता था, हेड जो होता था वो नॉर्थ की तरफ होता था और बॉडी को स्ट्रेट रखा जाता था. लेकिन बहुत सारे बरियल पिट्स में उन्हें एक्सकेवेटेड हाउस भी मिले हैं जो कि डेड वर बरीड इनसाइड द हाउस टू. मीन्स हाउसेज में भी बहुत सारों को बरी किया जाता था. आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो फाउंड वेसल्स प्लेस्ड नेक्स्ट टू द स्केलेटन रिमेंसेस माइट हैव कंटेन्ड फूड एंड वाटर फॉर द डेड. बहुत सारे डेड बॉडी के पास में, स्केलेटन्स के पास में उन्हें वेसल्स भी मिले हैं जिससे ये पता लगता था कि वो खाना और पानी भी साथ में बरी करते थे डेड बॉडी के लिए. आर्कियोलॉजिस्ट हैव कम अक्रॉस अ फोर लेग्ड बरियल जार मेड ऑफ अनपैक्ड क्ले इन कोर्टयार्ड ऑफ अ फाइव रूम हाउस. इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउस एट द साइट एंड हैड अ ग्रैनरी टू. इनसाइड द जार वॉज द स्केलेटन ऑफ अ मैन अबाउट 40 ईयर्स ओल्ड सीटेड इन अ क्रॉस लेग्ड पोजिशन. इट माइट हैव बीन द स्केलेटन ऑफ अ चीफ. अब आर्कियोलॉजिस्ट को एक फोर लेग्ड बरियल जार भी मिला जो कि अनपैक्ड क्ले से बना हुआ था फाइव रूम के हाउस के अंदर. वो एक सबसे लार्जेस्ट हाउस था उस साइट का. उसमें ग्रैनरी भी थी और जार के अंदर एक स्केलेटन था एक मैन का जो कि 40 ईयर ओल्ड मैन का था जो कि क्रॉस लेग पोजीशन में बैठा हुआ था अंदर. उससे क्या पता चलता है कि वो स्केलेटन किसी चीफ का था. Some other material evidences found from site have helped archaeologists to find out about the occupations and diet of inhabitants. Seeds of wheat, barley, rice, pulses, millet, peas, sesame found here indicate that many people who lived here were farmers who grew these crops. It also suggests that people consumed these crops. ठीक है, बहुत सारे अलग अलग evidences और material evidences भी मिले archaeologists को जिससे कि उनकी diets के बारे में पता चलते कि वो लोग क्या खाते थे, कौन सी crops वो लोग grow करते थे, क्या consume करते थे. बोन्स भी बहुत सारे वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स की बोन्स भी मिली वहाँ से, जैसे कैटल, बफेलो, गॉड, शीप, डॉग, हॉर्स, एस्पेक, सामर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, कैंटलॉप, हेयर, मंगूस, बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब फिश. ठीक है, इतने सारे एनिमल्स की भी, बर्ड्स की भी बोन्स मिली है.
ही शोज़ द पीपल हंटेड वाइल्ड एनिमल्स एंड कॉट फिश. इससे क्या पता चलता है कि वो वाइल्ड एनिमल्स को हंट भी करते थे, फिश भी पकड़ते थे. द कट मार्क्स एंड चैरिंग ऑन द बोन्स सजेस्ट दैट पीपल हैड कुक्ड मीट ऑफ दिस एनिमल्स. अब उन्हें बोन्स के चैरिंग और कट मार्क्स भी मिले जिससे पता चलता है कि वो लोग मीट भी खाते थे और पकाते भी थे उसको. इट ऑल्सो सजेस्टेड दैट दे माइट हैव हंटेड द एनिमल्स एंड रेयर डोमेस्टिक वंस. द रेमनेंट्स ऑफ फ्रूट्स सच एज बेर, आमला, ये सारी चीज़ें भी उन्हें वहाँ पे मिले जिससे कि मतलब ये भी पता चलता है कि वो लोग फ्रूट्स भी गैदर करते थे. ओके, अंडरस्टूड.